हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, मतलब काम तो सारा मेरा हो गया था सुबह ही, लेकिन रक्षित का दलिया रह गया था, वो चूल्हे पे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बहुत धूप हो रही है और मैंने चूल्हे में आग बाल रखी है और ये रक्षित का दलिया चढ़ा दिया है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो। तो ये सब चीज़ें चूल्हे पे बनाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर ना, मतलब कि दोपहर हो गई थी, मतलब 11-12 बज रहे होंगे, तो मैं तो मतलब रेडी वेडी हो गई थी नहा धो के। फिर मैं रक्षित ना जैसे सोते उठते ना, इसको नहलाती नहीं, रोने लग जाता है, तो मैं कहा चलो मैं नहला लेती हूँ। तो ये राजी राजी होकर नहा लेता है। तो ये देख लो, यहाँ पे कपड़े पड़े उतारी थी इसके, आराम से नहा लेता है, ये खुश हो गए। और जैसे सोते उठते नहलाऊंगी ना तो रोता है, तो मैं कोई नहीं, थोड़ी देर में नहला लूँगी तो आराम से तो नहा लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको नहलाने लगी थी, मैंने कहा चल नहला दे, तो काम ख़त्म करती हूँ, ये भी काम ही है अपना, डेली नहा लेता है ये। और मतलब कि मतलब कि अपना गर्म पानी नहीं करती हूँ, क्योंकि टंकी में इतना गर्म पानी आता है। हाँ, जैसे कभी बारिश वगैरह आ जाती है ना, तो मैं इसको गर्म पानी में नहलाती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल में नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े संगवा रही थी, मैंने कहा कहीं गीले ना हो जाए सलवार वगैरह, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना गर्म पानी मिला रही थी, निवाया सा था बिल्कुल हल्का सा, तो क्योंकि बिल्कुल ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि एक दो दिन बारिश नहीं हुई है तो थोड़ा मौसम ठंडा सा हो गया था। मैं कहा चलो हल्का सा निवाया सा कर देती हूँ, क्योंकि इसको भी ठंडी लगेगी, आराम से नहालेगा। तो मैं कहा चलो नहला देती हूँ, क्योंकि काम तो ना सुबह उठ गई थी, तो मैं सारा काम निपटा लिया था। तो मैंने चटनी वगैरह भी बनाई थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा चलो सुबह चटनी, क्योंकि इसके पापा ने कहा था कि यार ना चटनी बना लेना, तो मैं कहा ठीक है बना लूँगी। तो वो नहीं होती जो आमी और प्याज की चटनी होती है खट्टी खट्टी चटपटी सी, तो मैंने वो बनाई थी सुबह, वो बना के रोटी रोटी बना के झाड़ू पोछा करके अपना मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं अपना नहा धो के आ गई थी, क्योंकि रक्षित सो रहा होता ना, तो मैं नहाया आती हूँ चुपचाप जल्दी से, नहीं तो ये जगह होता है ना तो फिर बाहर डर रहता कि बाहर नहा जाए पीछे से ये वो, और तो फिर इसलिए मैं नहाया आई थी। मैं कहा चलो नहा लेती हूँ, काम से फ्री हो जाऊँगी। फिर रक्षित को तो मैंने नहला, तो रक्षित को नहला दिया मैंने, और अभी थोड़ा सा पानी बचा है तो मैंने कहा चल खुद नहा लेगा, क्योंकि इसको मज़ा आता है खुद अपने ऊपर पानी गिरने में। बाकी साबुन वाबन से रगड़ के नहला दिया है। रक्षित देखो, फिर मैं क्या करूँगी बैठ के, आपको नहलाऊँ? पैर हाथ हटाओ, हाथ हटाओ जल्दी। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दिया था, मैंने थोड़ा पानी अपने आप नहा लेगा, लेकिन इसने बोला कि मम्मा मेरे साथ बैठो मुझे नहलाओ। मैं ठीक है नहला देती हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आमी प्याज की चटनी, इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है प्याज है ना, प्याज छील के मतलब अच्छे से इसको कूट लूँगी अच्छे से, इसको बिल्कुल महीन महीन कर लूँगी, एकदम पतला पतला सा होता है ना, ऐसा बना लूँगी पेस्ट से। ये देखो बन गया। इसके बाद फिर मैंने इसमें ये आमी काट के डाल दी थी, तो ये सारी आमी मतलब कि सब मैंने अलग अलग किया, एक साथ नहीं करना। तो ये देखो आमी भी पीस दी थी मैंने। फिर इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर लहसुन प्याज ली थी, प्याज और लहसुन, तो मैंने ये भी अच्छे से मतलब कि महीन महीन कर लिया था। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था यहीं पे, अपना जितना स्वाद अनुसार नमक डाल लो। फिर इन सबको मिक्स करके ना, फिर मैंने एक बार और कूट दिया था, ताकि जो नमक था ना वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चम्मच हटा के मैंने इसको अच्छे से कूटा था। इसके बाद ये रेडी होगी मेरी चटनी, देख लो कितनी बढ़िया बनी है। और इसको ना मैंने मतलब अच्छे से पहले तो कूटा था, रक्षित बैठा था मेरे पास, लगा हुआ था ये मेरे दुखी करने में। और पता है इसमें जैसे हम कूट रहे हैं ना, तो यहाँ पर छींटे आ जाती हैं आँखों पे, और ये रक्षित ना मान के नहीं दे रहा था कि नहीं मम्मी भाई मान जाओ, नहीं कोई मतलब नहीं इसका, देख लो कैसे लेटा पड़ा है। और मैं कूट रही थी तो मैं इसको दूर ही रख रही थी, मैं कहा कहीं इसकी आँखों में छींटे ना चली जाए, बहुत मतलब बहुत जलन होती है फिर। तो इसलिए ये जो सब चीज़ें मैंने अलग अलग करी है ना, ये इसलिए ही करी है, क्योंकि अगर सब मिक्स करती ना तो मिर्च हो जाती। और अब चलो जो जैसे प्याज व्याज की भी थोड़ी छींट चली, तो इससे कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मिर्च की जो छींट चली जाती है ना तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख लो चटनी तैयार हो गई है। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर से जरूर करना। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।